रायगढ़ ब्लॉक के मुडपार से रायकोना होते हुए ढंढनी गांव जाने वाले सड़क जर्जर हो चुका है, जिसमें आने वाले ग्रामीण और राहगीरों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। करीब 8 किलोमीटर की दूरी है, जो 10 साल पहले इस मार्ग को जिला अस्पताल मां से लोक निर्माण विभाग ने रोड निर्माण किया था, लेकिन गांव में क्रशर मशीन नहीं होने के कारण भारी वाहन चलने से सड़क पूरी तरह से जर्जर हो जाती है। ये सड़क इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि इसमें चलना भी मुश्किल हो गया है। बारिश के समय सड़क के गड्ढे तालाब में तब्दील हो गए हैं, जिसके चलते आए दिन हादसा होता रहता है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए करीब 85 लाख की स्वीकृति मिली है, जो कोरोना काल के कारण काम रुका हुआ है, जिसे लेकर लोगों ने जल्द सड़क बनाने की मांग की है। मुड़पार मेन रोड से लेकर सरसिवा सरीपाली मेन रोड से लेकर मुड़पार से दुरुमगढ़ तक पूरा लगभग 5 साढ़े 5 किलोमीटर पूरा खराब। वो पैदल चलने लायक नहीं, गाड़ी मोटर तो दूर। अब मजबूरी है, जाते हैं, नहीं तो फिर उधर से घूम कर जाते हैं मनपसार से, वो मोहतरा सकरपाली होते हुए लोग भाग जाते हैं। लगभग 80 लाख रुपये का जो स्वीकृत हुआ है नवा जी, और इस स्वीकृतियों के पहले 2 बार और रिपेयरिंग हो चुका है निर्माण के बाद। अब ये तीसरा रिपेयरिंग है। अब ये रोड जो है बनने के बाद में, रिपेयरिंग करने के बाद में, मुश्किल से जो है लगभग 90 दिन तक के टिकाऊ रहता है, उसके बाद में उखड़ जाता है।